नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों आज हम आपके लिए इस वीडियो में पॉलिटिकल जीके का 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस का टेस्ट सेट पेपर लेकर आए हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, डरता वही है जिसको अपनी मेहनत पर शक होता है, और जिसने मेहनत खुलेआम की है वो डर नाम की कोई चीज़ जानता भी नहीं है। तो अगर सेट पेपर खोलते ही अगर आपको डर लग रहा होगी क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो सिलेक्शन भूल जाओ, क्योंकि जो डरा सो मरा ये कहावत दुनिया में काफ़ी समय पहले से चली आ रही है। वीडियो में 50 क्वेश्चन है, 50 में से 40 का सही आंसर देना है। चाहे आप 50 में से 40 सही दो या लगातार 40 सही दो, 40 अगर सही तो समझो तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। वीडियो शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन को आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा होगा, तो क्वेश्चन कोई नया नहीं है। आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्टेड बनाए गए हैं, वही जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो गदर पार्टी का मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में है। गदर पार्टी का नाम सुनते ही आपको लाला हरदयाल का नाम याद आया होगा, बिल्कुल आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कानून के समान संरक्षण या कानून के समक्ष संरक्षण, इस वाक्य को कहां से लिया गया है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो कानून के समान संरक्षण या कानून के समक्ष संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप पूछा गया ये रहा स्क्रीन पर, फूट डालो शासन करो की नीति किसने अपनाई थी बताइए। चलिए देखते हैं, तो फूट डालो शासन करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है ये रहा स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया? चलिए देखते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया, 1945 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये वाक्य किसका है? राइट आंसर क्या है, किसने ये वाक्य कहा था सभी बताएंगे। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल का नाम सुनते ही आपको महात्मा गांधी जी के लिए कहा गया एक कथन भी याद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह वाक्य किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, अभी हम पढ़ चुके हैं इसके लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 1949 के मूल संविधान के भाग डी में निम्न में से कौन सा एकमात्र क्षेत्र शामिल था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो 1949 के मूल संविधान के भाग डी में उस समय एकमात्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, 48वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक किस राष्ट्र में शुरू हुई थी? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में शुरू हुई थी ये मीटिंग, 48वें विश्व आर्थिक मंच, मतलब विश्व आर्थिक मंच वार्षिक सम्मेलन जो है स्टार्टिंग वो स्विट्जरलैंड से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत में राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्यरत होगा? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन को सुनकर आपको हीरा लाल जे कानिया का नाम जरूर याद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए। चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा वॉशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। अगर आपने कुछ ही दिन पहले एसएससी का पेपर दिया होगा तो आपने इस क्वेश्चन के दर्शन उस एसएससी के पेपर में जरूर किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? राइट आंसर क्या है बताइए।
चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय की आधिकारिकता जो है सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। लाइव क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है कि गुवाहाटी का उच्च न्यायालय जो है वो किन किन क्षेत्रों पर निर्णय देता है, अगर आपको पता है तो उन राज्यों के नाम जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कहां पर जनहित याचिका दायर की जा सकती है बताइए। चलिए देखते हैं, तो जनहित याचिका जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही जगहों पर दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस घटना को राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण आंदोलन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, पुनर्जागरण इस क्वेश्चन का 100% श्योरली सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस न्यायालय या जनपद में भारतीय संविधान के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। भारतीय संविधान में जनपद एवं सत्र न्यायालय की नियुक्ति का भी प्रावधान है, उच्च न्यायालय भी है, सर्वोच्च न्यायालय है, सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से सभी आंसर होगा, इनमें से किस देश से भारत की संसदीय प्रणाली की प्रणाली जो है प्रभावित है, इन शॉर्ट कहां से लिया गया है संसदीय प्रणाली को। चलिए देखते हैं, तो भारत की संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, इनमें से किस वर्ष देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इनमें से 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है बताइए। चलिए देखते हैं, तो पंचायती राज प्रणाली अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, पंचायती राज प्रणाली अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है वर्तमान में, बहुत पूछा गया इनका नाम, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस राज्य कैबिनेट ने एक जिला एक उत्पाद योजना को मंजूरी दी है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो राज्य कैबिनेट उत्तर प्रदेश क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, योगी जी का प्रदेश, अभी वर्तमान में सीएम है उत्तर प्रदेश के योगी जी, तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक जिला एक उत्पाद योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा ए के चंदा, ये वित्त आयोग के अध्यक्ष बने जो कि सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस समिति के सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकलन समिति। अच्छा, राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है बताइए। ये समितियां एग्जाम में पूछी जाती है, इनको याद करके रखिएगा। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेषाधिकार समिति, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, इनमें से किसे लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इनमें से किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 21 जनवरी 2018 को नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम प्रकाश रावत जी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। चलिए देखते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, महामहिम
रामनाथ कोविंद जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो आजाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी शाहनवाज खान जी थे, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, आजाद हिंद फौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राइट आंसर क्या है बताइए। तो किसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा, ये है डेविड सिम्हिल। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, डेविड सिम्हिल को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कौन करता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन जो है परिसीमन आयोग करता है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक है बताइए। चलिए देखते हैं, तो संघ का संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, संघ का संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है बताइए। अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और राष्ट्रपति और न्यायाधीश में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुख्य सतर्कता आयुक्त राज्यपाल नियुक्त करता है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे बताइए। चलिए देखते हैं, तो भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, इनमें से कौन भारत के संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक हैं, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो भारत के संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन भारत के परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो भारत के परीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करती है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्य सलाहकार समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है, तो कार्य सलाहकार समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बिल जनवरी 2018 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो दिवाला और दिवालिया संहिता संशोधन बिल, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी महिला भारत के किसी राज्य की प्रथम राज्यपाल बनी थी बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। कौन से राज्य की बनी थी कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइव क्लास में मैंने पढ़ाया है। अगर आप मुझसे लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं, जनरल अवेयरनेस की लाइव क्लास, उसके लिए रोज सुबह 7 बजे आप हमारे चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट वीडियो की लिंक है, लिंक ओपन करेंगे तो आप हमारे होम पेज पर पहुंचेंगे। वहां पर हमने अपने चैनल की लाइव क्लास वाले चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 की लिंक दी हुई है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और रोज सुबह 7 बजे से जनरल अवेयरनेस की क्लास में आ सकते हैं। हमारे चैनल पर साइंस और करेंट अफेयर्स भी हम लाइव पढ़ाते हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके ज़रूर एक बार देखें। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी करने का अधिकार किसके पास होता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के पास, नियमों में बदलाव करके बढ़ोतरी कर सकती है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष भारत में कई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत की गई थी बताइए, नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत की गई थी बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991 में, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष भारत के संविधान को संविधान सभा ने स्वीकृत किया था बताइए। चलिए देखते हैं, तो भारत के संविधान को संविधान सभा ने 1947 में स्वीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष अंतिम रूप से संविधान को संविधान सभा ने पारित किया था बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से संविधान सभा ने संविधान को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संयुक्त राष्ट्र संस्था के पास अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करने का अधिदेश है, मतलब उसके पास ताकत है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में इस प्रकार के कार्यों को कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, किसने कहा था गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दे दिया बताइए। चलिए देखते हैं, तो ये बात कही थी कूपलैंड नाम के दार्शनिक ने, ब्रिटिश दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त होता है, इसमें से निम्न में से अधिक शामिल नहीं होते हैं, आपको बताना है मतलब टोटल कितने से ज्यादा लोग शामिल नहीं होते बताइए। तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा 10 सूचना आयोग से ज्यादा शामिल नहीं होते। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 सूचना आयोग से अधिक शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 10 सदस्यों से ज्यादा शामिल नहीं होते उसमें। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच भूमि सीमा पार करने के बीच एक समझौते को मंजूरी दी है, कौन से देश के साथ में भूमि सीमा को पार करके आया जाया जा सकता है, इसके लिए एक समझौता हुआ है, किस देश के साथ में हुआ है बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार, राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। हमने आपके लिए पॉलिटिकल जीके के ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में लगातार जो पूछे जाते हैं उनमें से सिलेक्ट करके बनाए हैं। ये क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ज़रूर याद आ रहा होगा कि उस एग्ज़ाम में देखा था, उस एग्ज़ाम में या उस सेट पेपर में या उस सेट पेपर में इन क्वेश्चंस को देखा था। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना क्या 100% चांस है, तो इसको ज़रूर एक दो बार वीडियो को देख कर याद कर लीजिएगा। वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपने हमारे वीडियो को देखा, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हमारे चैनल पर दिन भर में 3 वीडियो अपलोड होते हैं, 1 सुबह 6 बजे, 1 10 बजे और 1 शाम को 7 बजे। तीनों सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो होते हैं और जो भी क्वेश्चंस हम आपके लिए देते हैं वो सारे सिलेक्टेड और वेरीफाइड क्वेश्चन टेस्ट करके ही दिए जाते हैं। फिर भी अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भेज सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, इससे पहले वाली, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हमसे जुड़े रहने के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो।